हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत फुर्सत के साथ में देख सकते हैं दोनों बैठे हुए हैं और किस लिए बैठे हैं आज आप लोग को बताएंगे। इसलिए बैठे हैं दोस्तों कि आप लोग का एक महीना से लगभग पार हो जा रहा है। सब कोई कमेंट कर रहे थे कि आप लोग का शादी अरेंज मैरिज हुआ है या लव मैरिज हुआ है, आप लोग का शादी का स्टोरी बताइए। तो दोस्तों आज हम लोग शादी का कुछ स्टोरी बताने वाले हैं और उससे पहले जितने भी हम लोग का देखने वाले हैं, अगर उसमें से कोई गलत लगा तो दोस्तों उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और जो अपने से बीता हुआ चीज ही हम बताएंगे, उससे ज्यादा न कम नहीं बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। इसलिए कि देखेंगे, इसलिए कि हम लोग पार्ट वन पार्ट टू लाने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि सोनी हमको कहाँ मिली, सोनी से हम लोग का कैसे मतलब शुरुआत हुआ। देखिए इसलिए बता, देखिए अभी थोड़ा सा रोमहले वाला फीलिंग आ रहा है। देखिए इसको आप लोग इनका चेहरा और मेरा देख सकते हैं जो वीडियो बनाते हैं उसमें, और इसमें बहुत सारा चेंजिंग लगेगा आप लोग को। इसलिए हमको हंसी आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग का घर वाला सब वीडियो देख। और दोस्तों अभी ये वीडियो जो डाल रहे हैं हम लोग का पूरे घर का भी देखेगा, बाहर का भी देखेगा और उसमें वो सब भी कमेंट करेगा। मतलब हम लोग को पता नहीं था ये वो करके, बहुत सारा तो उन लोग को पता है, पता नहीं है जो कि अभी हम लोग मतलब डील करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सोनी को तो थोड़ा सा पिटाने वाली है घर वाला से, हम भी थोड़ा सा पिटाएंगे। क्यों पिटाने का डर है आपको? देखिए सबसे पहला बात तो है ना कि इनका पापा को लगे अरे ये तो हमको पता ही नहीं था मैं तो ड्यूटी में था। तो इनका मेरा पापा को तो खैर, वो तो मेरा पापा थोड़ा मॉडल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा जी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना गार्जियन से तो सब कोई डरता ही है। और मेरा दो तीन गार्जियन है, आप लोग को बताए भी थे। एक मेरे भाई जो है उससे भी बहुत डरते हैं, और हमसे जो सबसे बड़े भाई हैं, है ना, जिनका नाम है हेमंत, तो वो भैया है वो बहुत सीधा साधा है, किसी को डांटते उड़ते नहीं है। वो जब हम बचपन में थे तब डांटते थे, अब बड़ा हो गए तब से वो नहीं डांटते हैं, तो उनसे डर नहीं लगता है। उनसे जाते हैं तो मतलब एक होता है ना बहुत ज्यादा घनिष्ठा, तो बड़ा भाई के साथ में मेरा अलग ही कुछ नेचर वहां चल जाता है। उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ कुछ भी बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, कुछ भी कर लेंगे, उनसे भी डर लगता है, लेकिन वैसा वाला डर नहीं लगता है जितना हमको छोटे वाला भाई से डर लगता है। और आज वो लोग भी देखेंगे हम, इसलिए डर लगता है, डर लगता है बोल रहे हैं। भैया देखेंगे तो बोलेंगे बाबा मेरा भाई मुझसे इतना डरता और कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए हम सबसे छोटा है और हम हमेशा से ही डरते थे, अभी भी डरते हैं, अभी भी बहुत इज्जत करते हैं। वो सबके कोई भी बात वो सब रखते हैं कि दिलीप तुमको ये काम करना है, तो आज तक जिंदगी में ना कभी मेरा मुंह से नहीं निकला है ना ही निकलेगा। वो कहेंगे कुछ भी काम के लिए कुछ भी, तो ना नहीं होता है मेरे से। तो दोस्तों इसलिए आप लोग बचाइएगा, और कमेंट आएगा तो सबको रिप्लाई दीजिएगा कि हम लोग के चलते ये सब वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को किसको किसको मतलब लगा था कि हम लोग का लव मैरिज है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, कि वो किनको लगा था कि अरेंज मैरिज है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है वो भी हम लोग बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, एक ही बार सारा कुछ बता देंगे तो फिर आप क्या सुनिएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो हम लोग का शादी में बहुत सारा है क्या सुनी जो आपको जानने के लिए मिलेगा। और दोस्तों अब हम लोग शादी का स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सोनी से पहले कब मिले थे, इसका चर्चा कब हुआ और इससे मिले कहाँ, सारा कुछ बताएंगे। तो हम सोनी से परमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है तुमको? हमको क्या दिक्कत, अभी देख लिया ना साथ मेरा लिया, पूछ रहे हैं दिक्कत देखो ऐसा मत करना कि आपको बताने कौन बोला था, इसलिए बता रहे हैं ना कि देखिए अब तो क्या है, हम लोग
एक फैमिली, अब शादी हो के अब दो बाल बच्चेदार का हो गए तो अब किस चीज का टेंशन है? अगर तुम्हारे में रहता कोई ऑब्जेक्शन होता तो डरते है बाबा क्या बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा मन में लगता है। हाँ, तो अभी सबसे पहला है ना, मेरा जीजाजी सब भी है, बहुत कोई अपना जीजाजी से मजाक करते हैं, तो हम कभी मजाक नहीं करते हैं, काहे कि वो सब बहुत बड़े हैं हमसे। अगर वो सब देखते हैं कि यहाँ पर खाना खा रहे थे वहां पर बैठते तक नहीं है हम डर से, तो हम किससे बात करते हैं? लेकिन आज मेरे लिए आप लोग खड़ा है तो हम सोचे कि आप लोग से बात कर ले क्या सोने है, तो सबसे तो डर ही के रहते थे हम। एक सोनी आई है जो सोनी से थोड़ा सा हम लोग का पूरा भीड़ भड़ैया होते रहता है, कोई गड़बड़ नहीं हम है। हम लोग मतलब ये चीज बताते नहीं, लेकिन इतना सारा आप लोग का कमेंट आया कि नहीं आप लोग अपना बताइए बताइए, तो फिर हम लोग भी सोचे कि चलो मतलब आप तो बताना ही चाहिए क्या, अपना दिल का बात शेयर किसी न किसी से करना चाहिए, तो आप लोग भी हम लोग का एक फैमिली बन गए हैं। और हम लोग भी सोचे ना कि हम लोग का शादी का ये राज है ना, राज ही रह जाता, कोई जानता ही नहीं। तो हम लोग सोचे कि जब हम लोग का ऑडियंस मतलब यूट्यूब में जितने भी मेरा फैमिली है सभी कोई अगर बोल रहे हैं हम लोग को कि आप लोग शादी कैसे किए, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो हम सोचे कि चलो आज बता ही देते हैं। तो सोनी, आज फिर से हम लोग एक पहले वाला फीलिंग के साथ में कुछ दिन जीने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग को हम शॉर्ट में बताते हैं, फिर लॉन्ग वाला बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले ना, एक कॉलेज जहाँ है, कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे आप लोग को, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। तो कॉलेज में हम गए थे, मेरा दोस्त का कुछ काम था, तो उस कॉलेज में हम देखे इसको, और हमको लगता है वहाँ जितना कॉलेज में थी ना, सबसे मतलब थोड़ा सा हट के दिखती थी। अच्छा, थोड़ा सा मतलब मेरे लाइक लगभग थी तो देखे उसको, तो मेरा दोस्त बोला, जानते हो उधर देख रहे तो? हम बोले कि देखो वो लड़की को देख रहे हैं हम। तो कहे, तो बोला कि क्या पसंद आ गया? तो बोले कि नहीं यार, ऐसा थोड़े ना, देखो देखने का मतलब किसी को पसंद आ गया तो मतलब उसके साथ शादी करे, लव करे कि क्या करे, ये सब बात नहीं रहता है। कोई अच्छा दिखता है तो भी तो देखने वाला चीज रहता है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं पार्क उर्क, अरे अच्छा दिख रहा है तो थोड़ा सा रुक के देखते हैं, उसका मतलब नहीं है कि हम वहां घर बना ले। तो मेरा ऐसा नहीं था, तो इसको देखे। तो फिर दोबारा हम लोग फिर एक बार गए, तो मेरा दोस्त बोला कि इसको तुमको पता है ना कि कौन लड़की है, ये तुम्हारी ही कास्ट का है। तो हमको फिर थोड़ा सा मन में लगा, अरे मेरे कास्ट का ही लड़की है तो थोड़ा सा इसको नजर रखा जाए। तो फिर हम एक दो बार जाने लगे, तो फिर पता चला कि नहीं, ये मतलब कॉलेज का जस्ट बगल में ही इसका घर है, तो वहाँ की है, और इसका पापा फौज में है, बहुत स्टिक है, तो बहुत डरती है, बात करना तो छोड़ो, उसके सामने भी नहीं आएगा तुम, तो हमको भी डर लगता था। तो दोस्तों, हम लोग का कॉलेज में देखने के बाद में ये अपना घर चल गई, हम तो अपना घर गए। तो दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग का वहां खत्म हो गया, हम इसको भी फिर मतलब कुछ मन में था ही नहीं। उसके बाद कॉलेज खत्म हो गया, यहाँ काम भी मेरा दोस्त का खत्म हो गया, तो फिर तो यहाँ आना नहीं था, तो फिर हम चल गए अपना घर। उसके बाद में क्या हुआ, एक मेरा बड़ी मम्मी का जो बेटा है वो गए थे शादी, तो सोनी गई थी उस शादी में, क्योंकि वो मेरा मामा, इसका भी मामा लगते थे वहां से, और हम लोग का भी कहीं से कुछ रिलेशन ही थे, तो वहां मिले। तो मेरा भैया जो थे, बड़ी मम्मी का बेटा, वो बोले कि तुम्हारे लिए एक लड़की देखे, शादी करेगा? तो हम बोले कि नहीं, शादी का तो अभी कोई इरादा नहीं है। तो बोला कि देखे हैं तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया है, ऐसा वैसा बहुत बोलने लगा। तो हम उतना ध्यान नहीं दिए, जो कि मेरा पापा इसको पहले वहीं पर बुला के और अपना गोदी में बैठाए भी इनको, और बात भी बहुत देर तक किए। मेरा पापा बहुत प्यारे हैं, तो बहुत देर बात किए इससे, कहाँ पढ़ती हो, कहाँ क्या करती है, तो इसको पता नहीं था। घर में शादी हो क्या? तो मेरा ही घर में आने वाली थी, इसको पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। फिर वहां भी खत्म हो गया। फिर हम गए एक बार सिमडेगा में गए, तो वहां पर गए तो इसका जो मामी लगती है वो हमसे मिली वहां सिमडेगा में, वो भी गई हुई थी, हम भी गए हुए थे, और
इसका मामी जो लगती थी वो मेरा भी दीदी लगती है रिलेशन में। हम लोग का ऐसा है ना कि भले हम लोग मतलब ऐसे अनजान होकर एक दूसरे को पहचाने, लेकिन हम लोग का रिलेशन में ही था। कहीं ना कहीं से मतलब मिल ही गया है एक आपस में। तो दोस्तों वहाँ पर वो बोलने लगी ना कि मतलब बाबू का अगर शादी करना है तो फिर हम तो एक लड़की देखे हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा, और इतना जान लीजिए कि आप जाइएगा तो नाम नहीं बोलिएगा। तो हम वही बोली, फिर वो जो दीदी लगती थी इसका मामी, वो मेरा घर में भी फोन की, वहाँ बड़े मम्मी सबको भी बताई, फिर हम लोग को बोला गया कि देखने जाना है। तो पता नहीं था कि यही है ना, तो हमको कौन सा मालूम। तो हम बोले कि देखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम जब घर आए तो मेरा बड़ी मम्मी का बेटा बोले कि चलो कम से कम लड़की को देख लेते हैं। तो हमेशा वो फोन करते थे हमको कि चलो ना बहू, हम छोटा में भी देखे हैं और अभी फिर बोल रही है तो चलो। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे। करते करते लगभग हमको लगता है एक साल बीत गया, और एक साल बीतने के बाद हम लोग का वो बात खत्म हो गया। उस टाइम हम फर्स्ट ईयर में थे। तो दोस्तों एक चीज आपको बता दे, सबसे पहले ये तो हमको देखे थे पर हम नहीं देखे थे, हम तो बिल्कुल सब चीज से अनजान थे ना। अनजान थे। तो अभी हम मतलब जब शादी वाला जो बताएं, शादी में तो हम भी गए थे, तो मेरे ससुर जी हैं वो, उनसे मेरा बात हुआ था, लेकिन हमको तो पता नहीं था कि मतलब अब आगे जाके इन्हीं के घर में शादी होके बहू बन के जाना है, उतना हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। और इनके जो भैया हैं उनको भी हम पहले देखे थे, लेकिन हम लोग तो पहचानते नहीं थे, जान पहचान तो कुछ था नहीं, हम तो अपने मामी के यहाँ शादी में गए थे। तो देखिए अगर किसी का जोड़ी बनने वाला रहता है ना तो ऊपर वाला पहले से ही जोड़ी बना के भेज देता। इसीलिए हम लोग मतलब बार बार हमेशा ऐसा जगह हो रहा था कि कहीं ना कहीं मिल ही जा रहे थे बार बार एक दूसरे से। और दोस्तों वीडियो हम लोग का बहुत लंबा हो रहा है, तो दोस्तों बहुत लंबा होने के कारण मजा नहीं आएगा, एक ही दिन बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा और बने रहिएगा दोस्तों। और आज का हम लोग का स्टोरी कैसा लगा आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अभी तो सोचिए ये हल्का फुल्का सिर्फ हम लोग एक दूसरे से मतलब जुड़ रहे थे क्या, इधर उधर से रिलेशन से, फिर अपने आप से, उसके बाद धीरे धीरे में तो और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। अभी तो शुरुआत है इसीलिए उतना ज्यादा ये नहीं है। वो आप लोग हर वीडियो हम लोग का देखिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। उसके बाद अभी तो सोचिए अरेंज टाइप हो, उसके बाद लव स्टोरी स्टार्ट होगा ना। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में, और आप लोग को कैसा लगा हम लोग का स्टोरी जरूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग का वीडियो में आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, ताकि हम लोग आगे पार्ट 1 पार्ट 2 बनाएंगे, और नहीं तो यही एंड कर देंगे। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए कोई गलती तो आज के लिए क्षमा। जय हिंद। जय हिंद। कौन सा जय हिंद? कहे कि आज हमको जरूरी है, बचा लीजिएगा।